विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ की एक परंपरा चली आई है कि यहाँ पर कोई राजा रात नहीं रुक सकता। उज्जैन के विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। जानते हैं महाकाल मंदिर के पुजारी से कि वो भी यहाँ पे रात रुक सकते हैं या उनको भी ये सीमा के बाहर रहना पड़ेगा? पहले तो मैं महाकाल की कृपा से उनको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि महाकाल बाबा ने हमारे इस नगर के एक पुत्र को आज राजा के रूप में चुना है। आज वो इस नगर के और इस मध्य प्रदेश के वो राजा चुने गए। हाँ, ये परंपरा हमारी अवंतिका की रही है क्योंकि तो भगवान महाकाल स्वयं इस नगरी के राजा रहे हैं और इस नगरी के वो राजा हैं और सदैव इस नगरी के वो राजा रहेंगे। इसलिए इस नगरी में दूसरे राजा कभी निवास नहीं करते हैं, ये परंपरा चली आई है और इस परंपरा का निर्वाह भी राजा लोग करते आए हैं। अब बात ये रही कि हमारे नगर के ही वो धरती पुत्र है, उन्होंने इसी अवंतिका भूमि पे उन्होंने जन्म लिया है, यहीं अपना बचपन बिताया है और यहीं से राजनीतिक सफर शुरू किया है और उस सफर से आज वो इस प्रदेश के राजा बने हैं। मैं ये मानता हूं कि वो खुद भी विद्वान है, संस्कृति जानते हैं, मंदिर की और अवंतिका की परंपरा को भी वो जानते हैं अच्छी तरह से। तो निश्चित तौर पे जब भी वो राजा के रूप में और सीएम के रूप में यदि अवंतिका नगरी में आई है, महाकाल को प्रणाम करेंगे या किसी कार्य में आई है तो वो नगरी के अंदर शायद ही वो निवास करेंगे क्योंकि तो उस परंपरा का निर्वाह वो निश्चित तौर पे करेंगे, हम ऐसा मानते हैं। यदि इसके पश्चात क्योंकि वो यहाँ के पुत्र हैं, इन्होंने जन्म लिया है तो जन्म के साथ साथ वो इस नगरी के पुत्र भी हैं, महाकाल के सेवक भी हैं, महाकाल के सानिध्य में उन्होंने ये सफर तय किया है तो वो जब भी यहाँ मुख्यमंत्री के पद को के छोड़कर इस नगर के पुत्र के रूप में यदि वो यहाँ आते हैं और अपने पैतृक निवास में निवास करते हैं तो वो किसी प्रकार का निषेध नहीं माना जाएगा क्योंकि तो वो इस भूमि के जन्मे हुए हैं, पुत्र हैं और इसलिए भगवान महाकाल राजा स्वयं उनको क्षमा भी करेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे, ये सा हम पूरी तौर से मानते हैं। तो आज हमें खुशी है कि हमारी इस अवंतिका नगरी के एक लाडले पुत्र को भगवान महाकाल की असीम कृपा से आज इस मध्य प्रदेश के राजा तो बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारी जो परंपरा है वो निश्चित तौर पर कायम रहेगी और उन्होंने सदा परंपराओं के ओर ही ध्यान दिया है और परंपराओं को उन्होंने सदैव कायम किया है और आगे भी वो कायम रखेंगे, ऐसा हम मानते हैं। उज्जैन से शुभम बर्मठ, लोकल एटीएम के लिए रिपोर्ट।